दोस्तों पैन इंडिया टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड या BSNL एक गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, जिसे पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की तरह 15 सितंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। 1 अक्टूबर 2000 से ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए BSNL एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रही है, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित हैं। BSNL इंडिया की ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी हिस्ट्री 19th सेंचुरी के ब्रिटिश पीरियड तक जाती है। फिक्स टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विस के लार्जेस्ट प्रोवाइडर होने के साथ BSNL इंडिया की 5th लार्जेस्ट मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में कंपनी के रेवेन्यूज और मार्केट शेयर्स ह्यूज लॉस फेस कर रहे हैं। दोस्तों हमारे आज की वीडियो का मकसद BSNL की इस इंटरेस्टिंग बट ट्रेजिक जर्नी को विटनेस करना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम BSNL की हिस्ट्री, मेजर इवेंट्स और प्रेजेंट सिचुएशन का एक एनालिसिस करेंगे, जिससे हम जान सकें कि इस प्रॉफिट डिलीवरिंग कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज इसे बंद करने की नौबत आ गई है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों BSNL इंडिया की ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश एरा में हुई थी। कम्युनिकेशन सर्विस के तौर पे ब्रिटिशर्स द्वारा पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में स्टैब्लिश की गई थी, जिसे पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से कनेक्ट किया गया था। 1854 से गवर्नमेंट के साथ पब्लिक ने भी टेलीग्राफ सर्विस एक्सेस करना शुरू कर दिया था। 1885 में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट पास किया, जिसके बाद इस सर्विस को एक लीगल स्टेचर दिया गया। आज़ादी के बाद 1975 में इसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से अलग कर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी देश भर में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की थी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी कि MTNL को सेपरेट किया गया, जिसे मुंबई और दिल्ली में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सक्लूसिवली फ्रेम किया गया था। दोस्तों 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट द्वारा टेलीकॉम सेक्टर को भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोल दिया गया। इसी कारण से गवर्नमेंट को इस बात की नीड समझ आई कि अपने पॉलिसी विंग से ऑपरेशन विंग को सेपरेट करने की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के ऑपरेशन विंग को कॉरपोरेटाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड नाम से एक टेलीकॉम और टेलीग्राफ सर्विस प्रोवाइडर स्टैब्लिश किया, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा ओन और कंट्रोल की जाएगी। BSNL ने टेलीग्राफ सर्विसेज की बागडोर भी संभाली, जिसे जुलाई 2015 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों आज BSNL इस देश का सबसे बड़ा लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज में BSNL का मार्केट शेयर 60% से भी ज़्यादा है। मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज में भी BSNL इंडिया में 5th रैंक पे है। दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड ने पूरे इंडिया को 24 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। इन यूनिट्स के साथ 2 मेट्रो डिस्ट्रिक्ट्स, जिन्हें BSNL LSA कहा जाता है, टेलीकॉम सर्किल्स, प्रोजेक्ट साइकिल्स, 5 टेलीकॉम फैक्ट्रीज, 4 स्पेशलाइज टेलीकॉम यूनिट्स, 4 मेंटेनेंस रीजन्स और 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं। हर एक सर्किल को हेड चीफ जनरल मैनेजर यानी CGM करते हैं और हर सर्किल सेकेंडरी स्विचिंग एरियाज यानी SSAs के थ्रू ऑपरेट करता है, जिसे PGM या GM हेड करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने डॉक्टर DPS सेठ, जो 1965 बैच के इंडियन टेलीकॉम सर्विस ऑफिसर थे, उन्हें भारत संचार निगम लिमिटेड का पहला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। करेंटली BSNL को 1 जुलाई 2019 से श्री प्रवीण कुमार पुरवार द्वारा हेड किया जा रहा है। करेंटली BSNL बोर्ड में 12 डायरेक्टर्स अवेलेबल हैं, जिनमें 5 होल टाइम डायरेक्टर, 2 गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स और 4 नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जिसके अलावा CVO और कंपनी सेक्रेटरी CGM भी शामिल हैं। दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड एशिया की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में से एक है, जो इंडिया में कई तरह की टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन सर्विसेज की डाइवर्सिटी ने भी BSNL को इंडियन टेलीकम्युनिकेशन की हिस्ट्री में एक क्रूशियल स्पेस प्रोवाइड किया है। BSNL की सर्विसेज में CDMA मोबाइल, लैंडलाइन सर्विस, GSM मोबाइल, GPRS जैसे कि 2G, 3G और 4G, कैरियर सर्विसेज, BSNL ब्रॉडबैंड, MPLS, VPN, VSAT, इन सर्विसेज और VOIP सर्विसेज शामिल हैं।
इंडिया के कम्युनिकेशन हिस्ट्री में BSNL द्वारा इंस्टॉल क्वालिटी नेटवर्क ने रूरल और अर्बन एरियाज में बेस्ट सर्विसेज ऑफर की हैं और इंटरफेस अब अपने नेटवर्क को विलेज एरियाज में एक्सपेंड कर न्यू इम्प्रोवाइजेशंस इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जीता जा सके। सबसे एक्सटेंसिव नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर की तरह जाने जाते हुए BSNL का मार्केट शेयर सबसे अधिक है, जो डायलॉग कनेक्शंस के साथ प्रीपेड इंटरनेट एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करता है। नेटवन की तरह स्टार्टिंग स्टेज पे जहां BSNL ब्रॉडबैंड को डेटा वन बनाया गया, अब गीगा स्पीड फाइबर कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों 2000 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट से अलग होकर BSNL ने ईयर 2000 में उस समय यूनियन मिनिस्टर रहे लेट रामविलास पासवान के अंडर अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। एक क्राउन ज्वेल की तरह अपनी पहचान बनाते हुए 2004 तक BSNL एयरटेल के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम फर्म बन गया था। 2005 में BSNL ने एयरटेल से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए और मिड 2006 से ये इंडिया टेलीकॉम मार्केट के टॉप पोजीशन पे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के साथ आ चुका था। फाइनेंशियल ईयर 2002 से 2003 में BSNL ने 2000 करोड़ के प्रॉफिट्स अर्न किए, जो 2003 से 2004 के फाइनेंशियल ईयर में 3000 करोड़ हो गया और 2004 से 2005 फाइनेंशियल ईयर में इसकी प्रॉफिट 3600 करोड़ तक जा पहुंची। अपने इस ग्रोथ के साथ BSNL कुछ ही सालों में इंडियन टेलीकॉम मार्केट का बड़ा जायंट बन गया, जिसने ना सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की बल्कि रीजन वाइज इंक्लूसिवनेस प्रोवाइड करने के भी कई प्रयास किए। लेकिन दोस्तों इन्हीं सालों में BSNL के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने BSNL की सिचुएशन पूरी तरह से बदल दिया और एक प्रॉफिट मेकिंग PSU आने वाले कुछ सालों के अंदर लॉसेस में डूबती नजर आई। ईयर 2004 में मिस्टर दयानिधि मरन इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर बनाए गए। उनके अंडर BSNL अगले 1.5 ईयर तक अच्छा परफॉर्म करता रहा और जॉइंट पोजिशन की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद 2006 से दयानिधि मरन ने BSNL के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, जिससे वो उनके भाई के सन नेटवर्क नाम की कंपनी को इलीगल फेवर्स प्रोवाइड कर सके। टेलीकॉम मिनिस्टर के अपने टेन्योर में दयानिधि मरन ने BSNL से 323 टेलीफोन कनेक्शंस मिसयूटिलाइज किए, जिससे BSNL को ह्यूज लॉस हुआ। मरन के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन कनेक्शंस को अद्यार स्थित अपने घर के तेनामपत स्थित अपने भाई के सन टीवी चैनल के ऑफिस तक एक्सटेंड किया था। इस केस को एस गुरुनाथम ने एक्सपोज किया था, जिसे इंडियन एक्सप्रेस के कई आर्टिकल्स में पब्लिश किया गया था। इसके बाद CBI ने दयानिधि मरन और BSNL के चीफ GM के ऊपर FIR दर्ज की थी। मरन ने जिन 323 BSNL टेलीफोन लाइन्स को मिसयूटिलाइज किया था, उनसे लगभग 51 लाख कॉल्स किए गए थे, जिससे BSNL को कम से कम 1500 करोड़ का लॉस हुआ था। BSNL के 2006 से 2007 में होने वाले लॉसेस का ये सबसे बड़ा कारण था। इस स्कैम के कारण BSNL का प्रॉफिट पिछले आंकड़ों से घटकर केवल 1200 करोड़ का रह गया था। अपने स्कैम के एक्सपोजर के बाद मरन ने नवंबर 2006 में रिजाइन कर दिया। इसके बाद BSNL ने 2006 में WiMAX टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल दिया। दोस्तों WiMAX टेक्नोलॉजी या वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस एक फोर्थ जनरेशन सर्विस थी, जिसे BSNL स्टार्ट करना चाहता था, जो उसे अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में मदद करती। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी से ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाते और BSNL प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से पहले ही 3G सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर पाती। लेकिन स्कैम का बोझ झेल रही टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इसे ग्रीन सिग्नल देने से मना कर दिया। BSNL इंडिया की पहली टेलीकॉम कंपनी थी जिसने इंडिया में WiMAX सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल रखा था, जिसे तब के टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए राजा ने डिनाई कर दिया था। दोस्तों मरन के रिजाइन के बाद DMK पार्टी के मिस्टर ए राजा ने साल 2007 में टेलीकॉम मिनिस्टर के तौर पर शपथ लिया। इनके टाइम में BSNL ने अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए कई प्रपोजल्स रखे, जिसमें WiMAX टेक्नोलॉजी शामिल थी। इनमें से कुछ प्रपोजल्स को पार्शियली एक्सेप्ट करते हुए ए राजा ने BSNL द्वारा टेंडर्स इनवाइट करने के प्रोसेस को अप्रूवल दे दिया। 2007 में BSNL ने बिडिंग के लिए टेंडर्स ओपन किए। मोटरोला, साइमंस, नोकिया, ZTE और एरिक्सन जैसे बिडर्स के बीच 60-40 रेशियो में ये टेंडर्स एरिक्सन और नोकिया को मिले। इस टेंडर में एरिक्सन ने अपने प्राइस काफ़ी हाई कोट किए थे, $108 पर लाइन, लेकिन फर्दर नेगोशिएशंस के बाद इसे $91 पर लाइन तक
कम किया गया, लेकिन नोकिया जिसने $177 पर लाइन का प्राइस कोट किया था उसने अपने रेट्स कम करने से इनकार कर दिया। फाइनली उन्हें कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ा और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सजेशन के बाद BSNL को ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों उस समय तक प्राइवेट ऑपरेटर्स ने वायरलेस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया था और वो BSNL से काफ़ी आगे निकल चुके थे। प्राइवेट प्लेयर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर 3G सर्विसेज देनी शुरू कर दी थी, जिसमें BSNL अब पीछे छूट चुका था। टेक्नोलॉजी और फास्टर सर्विसेज की कमी के कारण BSNL अपना मार्केट शेयर खोता चला गया। दोस्तों एरिक्सन और नोकिया के प्रोजेक्ट से बाहर आने के बाद BSNL ने 2009 में दोबारा टेंडर्स इन्वाइट किए। अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में BSNL ने 802.16E मोबाइल वाईमैक्स स्टैंडर्ड के लिए बिट्स इनवाइट किए थे, जिन्हें पैन इंडिया 16 लाइसेंस सर्विस एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। इस टेंडर की बिडिंग के लिए BSNL ने कुछ शर्तें रखी, जैसे इंटरेस्टेड बिडर का पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए और टेंडर डॉक्यूमेंट इस टर्नओवर के प्रूफ के सबमिशन के बाद ही इशू किया जाएगा। 12 जून 2009 से अवेलेबल इस टेंडर की सबमिशन डेट 4 अगस्त 2009 थी। BSNL को अपनी ओरिजिनल वाईमैक्स टेंडर का एक एम्बैरेसिंग कैंसिलेशन करना पड़ा जब बिडिंग प्रोसेस के ऊपर नॉन ट्रांसपेरेंसी के एलिगेशंस लगे। इस टेंडर में इन्वॉल्व कुछ बिडिंग कंपनीज के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो गवर्नमेंट से क्लोज इंडिविजुअल्स के फ्रेंड की तरह काम कर रही हैं। ये टेंडर वो कंपनीज नहीं बल्कि उन इंडिविजुअल्स के हाथ में जा रहे हैं जिन्होंने पहले से ही गवर्नमेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट्स बना के रखे हुए हैं। इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद BSNL टेलीकॉम मार्केट में अपने मार्केट शेयर रैपिडली खोने लगी। BSNL के लॉसेस इतने बढ़ते चले गए कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कंट्रोल करना कठिन हो गया। यूजर्स के लिए भी कॉल ट्रैफिक एक बर्डन बन गया। सिमिलरली 2007 से 2010 के बीच 13 और टेंडर्स कैंसिल हुए। ये वो दिन था जब 3G सर्विसेज का देश भर में एक रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था। दोस्तों ये 13 टेंडर्स जिन्हें कैंसिल किया गया था उसे टेलीकॉम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा कैंसिल किया गया था। 2007 से 2008 में BSNL का प्रॉफिट केवल 450 करोड़ था। 2010 में BSNL ने एक 35,000 करोड़ की एक 93 मिलियन लाइन टेंडर कैंसिल कर दी, जिसका रीज़न डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बिडिंग प्रोसेस ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन बताया। इसी समय होम मिनिस्ट्री ने भी चाइनीज कंपनी से इक्विपमेंट प्रोक्योर करने के प्लान्स पे भी ऑब्जेक्शंस किए। इसी दौरान इंडिया के सारी मेजर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट्स यूज कर रही थी। 2010 में तब तक 2G स्कैम भी चर्चा में आया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि वाईमैक्स टेक के लिए रिजर्व्ड स्पेक्ट्रम टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के एक फ्रेंड को कम दामों में बेचा गया। इस समय तक BSNL का मार्केट शेयर 21.5% से घटकर केवल 15% बचा। इस स्कैम के न्यूज़ में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। इसके बाद 2011 में BSNL द्वारा फ्रेश बिट्स इनवाइट किए गए और एक लॉन्ग डिले के बाद BSNL ने वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो 2006 में स्टार्ट करना चाहती थी अक्टूबर 2013 में शुरू कर पाई। इस साल BSNL का मार्केट शेयर 10.9% बचा था जो 2014 में 8.6% तक रह गया। इस स्कैम में CBI ने चार्जशीट तो फाइल की, लेकिन कंपनी के अंदर के ऑफिसर्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस बात की भी प्रोब करनी चाहिए कि क्यों BSNL को इन्फीरियर 2.4 GHz का स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट करने को फोर्स किया गया, जिसे केवल आउटडेटेड और आइसोलेटेड वाईमैक्स सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए ही यूज़ किया जा सकता था। दोस्तों CBI इन एलिगेशंस के अलावा BSNL के वाईमैक्स टेक्नोलॉजी फ्रेंचाइज को प्राइवेट फर्म्स को एलोकेट करने की इररेगुलरिटीज़ की भी जांच कर रही है। कई सोर्सेज का कहना है कि CBI इस बात की जांच भी कर सकती है कि कैसे गवर्नमेंट ने BSNL को ऑब्सोलीट वाईमैक्स एयरवेव्स इंडक्ट और ऑपरेट करने को मजबूर किया। सोर्सेज का कहना है कि इस प्रोसेस से वाईमैक्स के उन मैन्युफैक्चरर्स को फेवर प्रोवाइड किया गया जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए बायर्स नहीं मिल रहे थे। इनमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स 2001 में अपने इंट्रोडक्शन के बाद आइडल पड़े थे। दोस्तों जहां मई 2010 में प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स गवर्नमेंट से 2.2 GHz बैंड के ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए नेगोशिएट कर रहे थे, उसी समय BSNL को 2.4 GHz का एक पुअर क्वालिटी आउटडेटेड और आइसोलेटेड वाईमैक्स सर्विस ऑपरेटर प्रोवाइड करने को मजबूर कर दिया जा रहा था। BSNL के 22 सर्कल्स में से 17 ने कमर्शियली वेस्ट वाईमैक्स सर्विसेज को पहले ही रिटर्न कर दिया था। इसके बाद भी BSNL को सेंटर द्वारा
आज तक कंपनसेट नहीं किया गया, जबकि बीएसएनएल ने वाईमैक्स स्पेक्ट्रम के लिए 8500 करोड़ पहले ही दिए थे। बीएसएनएल इंडिया की अकेली टेलीकॉम कंपनी है जिसने अपने बीडब्ल्यूएस सर्विसेज के लिए ऑब्सोलीट वाईमैक्स सर्विसेज का सहारा लिया। इन एयरवेव्स की दूसरी सारी कंपनीज ने अपने 4G सर्विसेज के उस समय के अपकमिंग LTE या लॉन्ग टर्म इवेल्यूशन प्लान का सहारा लिया। इराजा के प्राइवेट कंपनीज को फेवर दिए जाने के अगेंस्ट CBI ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसके तहत 2011 में उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन 2017 में एक ट्रेल कोर्ट वर्डिक्ट के बाद जज OP सैनी ने उन्हें सारे चार्जेस से एक्विट करते हुए रिहा कर दिया। एक BSNL के टॉप ऑफिशियल ने बताया कि जहां एक और मेजर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज मई 2010 में BWA ऑक्शन जीत गई थी और फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने के प्लान में थी, BSNL को कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। सोर्सेज बताते हैं कि BSNL को पब्लिक सेक्टर होने के कारण रिडेंडेंट 2.4 GHz स्पेक्ट्रम यूज करना पड़ा, जो दूसरे ब्रांड्स के साथ इंटरफेयर करता था। BSNL को जो बैंड ऑफर की गई वो ना तो सूटेबल थी और ना ही एग्जिस्टिंग अवेलेबल इक्विपमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजी से मैच करती थी। इस टेक्नोलॉजी के कारण BSNL को इंटर ऑपरेबिलिटी और रोमिंग अरेंजमेंट्स में कई मुश्किलें देखने को मिली। BSNL के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ने ये पाया कि वाईमैक्स सर्विसेज के लिए शॉर्टलिस्ट की गई 6 कंपनीज दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए केवल एक फ्रंट का काम कर रही थी और उनके कॉरपोरेट डिटेल्स बिल्कुल सेम थे। BSNL को ये टेंडर लेबर यूनियंस के प्रेशर में कैंसिल करना पड़ा था। दोस्तों, आज BSNL मार्केट शेयर में सिर्फ 10% ओन करती है और लैंडलाइन शेयर में ये 70% है। यदि लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो BSNL आज अपने वेंडर्स को 6000 करोड़ ओ करती हैं, जो PSU 2009 तक प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी, 2016 से 17 में उसके लॉसेस 4793 करोड़ थे। ये लॉसेस 2017 से 18 में 7992 करोड़ हो चुके थे। यदि एम्प्लॉइज की मानी जाए तो उन्हें इस लॉसेस के पीछे करंट और प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बड़ा कारण दिखता है। 2016 में नीति आयोग ने BSNL को अपने लॉस मेकिंग PSUs की लिस्ट में ऐड कर लिया था। इस PSU को रिवाइव करने की जगह नीति आयोग ने इसके ऑपरेशंस बंद करने के प्रपोजल दिए थे। जहां टेलीकॉम सर्विस के प्राइवेट ऑपरेटर्स आज 5G सर्विसेज की ओर अपना रुख कर रहे हैं, BSNL को सिस्टमैटिकली 4G सर्विसेज से भी दूर रखा गया, और क्योंकि इसे ऑप्ट करने के लिए गवर्नमेंट को 14,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो जहां कंपनीज जैसे जियो, वोडाफोन या एयरटेल अपने ऑपरेशंस के लिए आउटसोर्सिंग मॉडल का यूज़ करती हैं, वहीं BSNL के एम्प्लॉयज फुल टाइम वर्क करते हैं। BSNL के फंड क्रंच के कारण पावर सप्लाई में भी कट देखने को मिलता है। BSNL के लगभग 20% टावर्स की पावर सप्लाई आज के समय में डिसरप्टेड है। कुछ स्टेट्स जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पावर सप्लाई आज भी दी जा रही है, वहीं वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में 500 से ज़्यादा बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन या BTS काम नहीं कर रहे हैं। आज ये मैटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की परमिशन पर रुकी हुई है, जिसे लोन बोरोइंग्स की परमिशन मिल सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने BSNL को लोन्स के लिए बैंक को अप्रोच करने की परमिशन नहीं दी है। दोस्तों, ये थी कहानी BSNL की। एक समय पे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को लीड करने वाली PSU आज लॉसेस फेस करते हुए क्लोजर के थ्रेट्स फेस कर रही है। BSNL इंडिया के इनइक्वालिटी को देखते हुए एक इंक्लूसिव मीडियम का काम कर सकती थी, जिसे फार ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड लोकेशंस में भी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती थी, जहां प्राइवेट प्लेयर्स लेस सब्सक्राइबर्स के कारण अपना कवर एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा एक लीड रोल प्ले करती BSNL आज प्राइवेट प्लेयर्स के मोनोपोली को सक्सेसफुली चैलेंज करते हुए सर्विसेज के लिए कस्टमर्स को ऑफर्ड प्राइस को भी अंडर कंट्रोल रखती। रिपीटेड स्कैम्स, नेग्लिजेंस और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण BSNL को हुए लॉसेस का एग्जैक्ट आइडिया लगाना तो शायद मुश्किल है, लेकिन आज इस एलिंग PSU के कारण सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इसके एम्प्लॉयज, जिनके फंड क्रंच के कारण सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अभी भी कोई चांस है जिससे BSNL को रिवाइव किया जा सकता है, और कौन से वे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है BSNL के रिवाइवल के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।